हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी बाइबल फैमिली राजीव में। तो पॉलिटी की 12वीं क्लास है, इसका पार्ट वन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है और अब इसके दूसरे पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा। तो समय के बारे में ना वहीं से शुरू करते हैं जहां पर पहली वीडियो हमने खत्म की थी। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, बैठ जाता हूँ, थक गया बोलते बोलते। तो मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को वापस लौटा देते हैं या संसद के किसी विधेयक को वापस लौटा देते हैं तो ना तो मंत्रिपरिषद और ना ही संसद मजबूर नहीं है कि साहब अभी इसको हमने फिर से डिस्कस करना ही पड़ेगा, है ना। वो उसको वापस भी ले सकते हैं, राष्ट्रपति की सलाह को मान भी सकते हैं और चाहे तो राष्ट्रपति की सलाह माने बिना उसको फिर उसी रूप में लौटा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस था, मैंने कहा ये सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, ये जो प्रोसेस था इसने संसद का जो कानून बनाने का जो प्रोसेस था उसको कुछ समय के लिए डिले कर, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाने की क्या जरूरत थी, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का और संसद का अंग बनाने की जरूरत थी, यही जरूरत थी राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाने। आप एक राष्ट्रपति पद पर कोई आम व्यक्ति थोड़ी बैठता, आप देखें कलाम साहब बैठे तो वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, जाने माने, है ना, जाने माने वरिष्ठ वैज्ञानिक। वर्तमान राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल रह चुकी है ना, राज्यपाल रह चुकी, मंत्री रह चुकी। तो इस पद पर अक्सर कई वरिष्ठ जज हैं, वरिष्ठ डिप्लोमेट हैं और एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके, कुलपति रह चुके। तो इस पद पर हमेशा जाने माने राजनीतिज्ञ यानी कि बहुत ही विद्वान सुलझे व्यक्ति बैठते हैं, इसलिए बैठाए जाते हैं। तो इनको संसद का इसलिए बनाया है कि संसद कभी जल्दबाजी में या जानबूझकर दुर्भावना के तरीके से ना किसी एक वर्ग को किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए संसद जल्दबाजी में अनजाने में या जानबूझकर या भूलवश कोई ऐसा कानून पास ना कर दे जो भविष्य में हमारे लिए कष्टकारी हो। इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि प्रेसिडेंट के पास जब कोई फाइल आएगी तो सरकार की किसी सलाह की या संसद के किसी कानून की, तो वो देखेंगे कि जो हमारे संविधान मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, कानून है, विधि है, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उनको लगे कि यहाँ पे इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो उसको उसकी सिफारिश कर सकते हैं। अगर उनको लगे कि संसद जल्दबाजी में जानबूझकर या भूलवश कुछ गलत कदम उठा रही है तो वो उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। भाई उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया, फिर से फाइल भेजी, तब तक भी नए चुनाव हो गए, एक सरकार की जगह दूसरी सरकार, ठीक है ना। अभी तक हमारे यहाँ राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए तो रहा ही चीज है, लेकिन कभी सरकार और राष्ट्रपति के बीच में टकराव नहीं हुआ। राज्यपाल और सरकारों के बीच में टकराव हम लोग सुनते हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति सरकार के बीच में ऐसा टकराव नहीं। ओके, चलिए आगे पूछते हैं। अब तो मैंने आपको बताया ये है सामान्य या साधारण विधेयक की प्रक्रिया। अब एक शब्द आता है विशेष विधेयक। ये जो प्रोसेस था ये तो साधारण विधेयक के बारे में, यहाँ पर एक चीज हम लोग भूल गए, उसे हम कहते हैं आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। हिंदी में एक शब्द आता है आत्यंतिक, इंग्लिश में उसको कहेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। हिंदी में इसी एक शब्द होता है पूर्ण पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति संसद के किसी कानून पर हस्ताक्षर करने से मना करे या मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की किसी सलाह को मानने से मना करें, उसको हस्ताक्षर करने से मना कर दें, तो इसका असर क्या होगा कि वो जो राष्ट्रपति के पास जो बिल आया था वो अब निरस्त हो, वो कानून नहीं होगा। सरकार ने या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के पास जो सलाह भेजी थी वो अब निरस्त हो जाएगी, अब उस पर अमल नहीं होगा। तो राष्ट्रपति ने जो कुछ प्रोसेस चल रहा था उसको खत्म कर दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो, यानी कि प्रोसेस का अंत, ठीक है ना। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आया है कि जब राष्ट्रपति ने संसद के किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया हो या सरकार की किसी सलाह पर सरकार की मर्जी के बिना हस्ताक्षर करने से मना कर दिया हो। इस पर एक प्रसंग आता है डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति का या पूर्ण वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर यानी सॉरी फिर से बोल रहा हूँ डॉक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ जितने राष्ट्रपति ने ज़्यादातर के साथ डॉक्टर की उपाधि लगी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो इसने बार बार डॉक्टर सब निकला था ज्ञानी जैल सिंह। तो एक था डाक संशोधन बिल या डाक संशोधन बिल, तो इन्होंने इस बिल पर, इससे पहले जो सरकार थी या राष्ट्रपति थे उसके समय से वो बिल पेंडिंग था, जब ये राष्ट्रपति बने तो सरकार ने इनको मशवरा दिया कि साथ इस बिल पर आप हस्ताक्षर करने से मना कर दीजिए, तो सरकार की सलाह पर उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अभी तक हमारे ऐसा नहीं हुआ है,
अन्य जो ज्ञान हुआ है कि जब राष्ट्रपति ने पूर्ण वीडियो का इस्तेमाल किया। ओके चलते आगे। तो ये तो थी बातें साधारण विधेयक की। अब आते हैं विशेष विधेयक। विशेष विधेयक कौन से हुए? मैंने यहाँ पे लिख रखा है विशेष बिल या विशेष विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब ये जो तीन बिल हैं इन्हें हम कहते हैं विशेष बिल। विशेष बिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे धन विधेयक। अच्छा धन विधेयक, धन विधेयक होता क्या है और कौन सी चीज़ें धन विधेयक होंगी, कौन सी चीज़ें धन विधेयक नहीं होंगी, इसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल धन विधेयक आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई बिल ऐसा है संसद के सामने जिससे सरकार के खजाने में से कुछ खर्च किया जाए, सरकार के खजाने में से कुछ खर्च किया जाना है या सरकार के खजाने में कुछ आय आनी है, यानी कि उसमें धन से या वित्त से जुड़े कोई प्रावधान है तो ना आमतौर पर हम मनी बिल या धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, एक है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल जिसे हम कहते हैं। तो अभी फाइनेंस बिल की बात हम नहीं कर रहे, धन विधेयक की बात करेंगे। तो धन विधेयक स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके लिए कुछ खास प्रोसेस चाहिए। वो प्रोसेस ये है कि धन विधेयक को किसी भी हाउस में नहीं रखा जा सकता, इसे केवल लोकसभा में रखा जाए। इसकी जो शुरुआत होगी जिसे कहते हैं ना प्रारंभिक सदन, कोई भी बिल जिस हाउस से पहले शुरू होता है उस हाउस को हम कहते हैं प्रारंभिक सदन। तो धन विधेयक इस सवाल को आता है, वनडे में भी आता है, इसमें भी आता है। धन विधेयक की जो शुरुआत होगी केवल लोकसभा से, पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक को लोकसभा में रखने से पहले हमें राष्ट्रपति से प्री परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति से प्री परमिशन लेनी होगी। अच्छा यहीं पर बाद में एक संविधान संशोधन किया गया मंजरवा दिया गई, इसका प्रावधान है कि धन विधेयक को लोकसभा में तभी रखा जाएगा। पहली बात यह है कि कहाँ से शुरू होगा, लोकसभा शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि तभी शुरू होगा जब राष्ट्रपति इसमें पहले परमिशन दे दें। अब बाद में संविधान संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि अगर धन विधेयक को रख दिया गया और राष्ट्रपति ने उसको परमिशन दी थी, उसको रखने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ये परमिशन विधेयक रखने के बाद दे दी। विधेयक रख दिया, राष्ट्रपति से परमिशन नहीं दी थी विधेयक रखने की, वो परमिशन राष्ट्रपति ने उसके बाद दे दी, तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को रखने की परमिशन दे दी। ओके, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? स्पेशली दो चीज़ आएगी, एक तो राष्ट्रपति की परमिशन से रखा जाएगा, दूसरे से केवल लोकसभा में। ओके आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस के द्वारा इसको पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन लोकसभा से पास हो गया, अब ये राज्यसभा में जाएगा। अब देखो जो साधारण विधेयक होता है ना उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के अधिकार बराबर है, कोई भी विधेयक को मना कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन सुझा सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में ये मामला ये है, सबसे पहली बात कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर मैंने लिखा है आर्टिकल 110 मनी बिल पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण, मनी बिल पर लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण। तो मनी बिल पर देखिए जैसे कि फाइल है मेरे पास, ये देखिए सिंपल फाइल है, पूरा का पूरा बिल इस फाइल में इकट्ठा हो गया, ये मेरे पास फाइल में दिखी होगी ना। तो अब ये फिर ये फाइल है, अब जब ये फाइल रखी गई, अब ये फाइल जब रखी गई मनी बिल के रूप में रखी गई, अब ये भी लोकसभा से पास होकर रोज राज्यसभा में जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष इस पर अपना एक नोट लगाएगा कि प्रमाणित किया जाता है कि ये बिल मनी बिल, लोकसभा अध्यक्ष अपना प्रमाण देगा लोकसभा से राज्यसभा में जाने के समय। और जब ये राज्यसभा से पास होकर वापस आ जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो फिर से लोकसभा अध्यक्ष इस पर लिखेगा राष्ट्रपति महोदय के लिए कि ये बिल मनी बिल। तो लोकसभा अध्यक्ष, सवाल आता है कि लोकसभा के मनी बिल को मनी बिल होने का प्रमाण कौन देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। इसीलिए हर रूलिंग पार्टी चाहती है ना कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष हमारे हों, हमारे दल के हों, राज्यसभा का सभापति भी हमारे दल के हों। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति जो है वो पार्टी लाइन से अलग होकर के काम करते हैं। तो मनी बिल को मनी बिल होने का प्रमाण दो बार दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, एक बार जब वो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और दूसरी बार तब जब वो हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो एक इसकी स्थिति हो गई है ना, साधारण विधेयकों में प्रोसेस नहीं होता है। अब लोकसभा से राज्यसभा को जो मनी मिल जाता है वो पता उसमें लाइन क्या है? उसमें लाइन ये है कि राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए जाना, राज्यसभा को उसकी सिफारिशों की मंजूरी के लिए नहीं। साधारण विधेयक जो है वो राज्यसभा को मंजूरी के लिए जा रहा है और धन विधेयक जो है वो राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए जा रहा है, वो भी कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसको अपनी सिफारिशें दे सकती है कि इसमें ये जोड़ दो, ये घटा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक है ना। लेकिन अब होगी दूसरी विशेष प्रक्रिया ये होगी सिफारिशों की, मंजूरी के लिए नहीं सिफारिशों के लिए। अब अगर आमतौर पर मनी बिल को राज्यसभा जो है यही काम चलूंगा, एक सिर्फ और बोल दिया, क्या बता रहा था आपको, हाँ ये मैं बता गया आपको कि लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ विशेष पावर क्या गई कि लोकसभा अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी साधारण विधेयक को कह दे ये धन विधेयक है,
लोकसभा अध्यक्ष किसी साधारण विधेयक को भी कह दे ये धर्म विधेयक है तो वो धर्म विधेयक है, चाहे धर्म विधेयक है या नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष ने साधारण विधेयक को भी प्रमाण दिया कि धर्म विधेयक है तो वो धर्म विधेयक ही है। कोर्ट में क्या होगा कैसे होगा वो बात की चीजें हैं, विशेष अधिकार उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने प्रमाणित कर दिया कि धर्म विधेयक है तो धर्म विधेयक। ओके, अब राज्यसभा ने अपनी सिफारिशें भेज दी, राज्यसभा ने आपको उस पर सिग्नेचर कर दी, मंजूरी कर दी, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया कि हाँ ठीक है सही है जैसा लोकसभा ने किया वो सही है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर राज्यसभा ने उसमें कुछ सिफारिश सुझा दी तो अपन तो 14 दिन के भीतर सुझानी है उस सिफारिश, और अगर कोई सिफारिश सुझा दी तो लोकसभा चाहे तो उस सिफारिश को माने और चाहे तो ना माने, चाहे तो राज्यसभा का मान रखे उनमें कुछ संशोधन करके फिर से पास कर दे, ठीक है, और चाहे तो कोई राज्यसभा हमने तो जैसे पास किया था हम इसको वैसे ही पास करें, ठीक है, तो फिर वो वैसे ही पास होकर क्यों छुपा चला जाएगा राष्ट्रपति। अच्छा, अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश ना दे उस बिल पर कोई डिसीजन ना ले तो वो उसी रूप में पास हो जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पास किया, ठीक है, ये स्पेशल है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब कई किताबों में लिखा है स्पष्ट नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, अब जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर जो है एब्सोल्यूट वीटो का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्ण वीटो या आध्यात्मिक वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को उस बिल पर, किस बिल पर, मनी बिल पर, राष्ट्रपति को मनी बिल पर 14 दिन के भीतर डिसीजन लेना होता है। 14 दिन के भीतर वो या तो उस पर साइन करेंगे या साइन नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति या तो उस पर अनुमति देंगे या अनुमति देने से मना करेंगे, अनुमति देने से रोक लेंगे। अगर परमिशन दे दी साइन कर दिए तो पास हो गया, परमिशन नहीं दी तो वो पास नहीं। धर्म विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी परमिशन रोक सकते हैं, अनुमति देने से मना कर सकते हैं 14 दिन के भीतर, कितने भीतर किसने लेना 14 दिन के भीतर, लेकिन राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते। धर्म विधेयक पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट या पूर्ण वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉकेट वीटो या सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ओके, तो इस तरह से जो धर्म विधेयक है वो जो है स्पेशल प्रोसीजर की मांग करता है। अब एक और बिल है जिसे कहते हैं वित्त विधेयक, ये रहा आपका वित्त विधेयक का मतलब क्या, वित्त से मसला समझ में आ रहा है, देश में फाइनेंस से जुड़ी कोई चीजें होंगी। वित्त विधेयक दो प्रकार के हैं, एक वित्त विधेयक जो है वो आरटीबी 110, एक वित्त विधेयक ऐसे हैं आरटीबी 117 ए और आरटीबी 117 बी। एक वित्त विधेयक ऐसे हैं जो मनी बिल जैसे हैं, यानी कि उसमें ऐसे ही प्रावधान हैं जैसे मनी बिल में, यही कह सकते हैं उस बिल में कोई एक बात भी ऐसी है जो मनी बिल से जुड़ी हुई है, तो शायद उस वित्त विधेयक को उस वित्त विधेयक के जो प्रोसेस होगा या जो स्वरूप होगा वो मनी बिल जैसा होगा। आरटीबी 117 ए ऐसा वित्त विधेयक जिसमें जुड़े हुए सभी प्रावधान या कोई एक प्रावधान धन विधेयक जैसा है, कौन सा धन विधेयक, आरटीबी 110 ए वाला, तो उस पर जो कार्यवाही होगी वो धन विधेयक के समान होगी, ठीक है सर। लेकिन अगर कोई वित्त विधेयक ऐसा वित्त विधेयक आरटीबी 117 ए कह रहा है कि उसमें आरटीबी 110 ए से जुड़ा हुआ, आरटीबी 110 ए वाला या धन विधेयक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है तो उस पर साधारण विधेयक की तरह कार्रवाई है। ये तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अक्सर हम लोग कहते हैं कि इसमें से कौन से विधेयक पर 14 दिन के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए राष्ट्रपति को, तो वित्त विधेयक वो भी सही है ना। वित्त विधेयक दो तरह के, एक जो धन विधेयक जैसा, एक जो धन विधेयक जैसा नहीं। तो जो विधेयक धन विधेयक जैसा वित्त विधेयक उस पर धन विधेयक पर भी कार्रवाई होगी, और जो साधारण विधेयक जैसा है 117(3) साधारण विधेयक मतलब क्या है, ऐसा वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है तो उस पर साधारण विधेयक के समान कार्रवाई। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको बताया विशेष विधेयक और साधारण विधेयक। अब इसमें रहेगा संविधान संशोधन विधेयक, तो ये संविधान संशोधन विधेयक जो है ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए मैं इसी क्लास का तीसरा पार्ट बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मसला